मैं राजेश राणावत आपका आज इस चैनल पर स्वागत करता हूं। अब हम प्रतिशतता के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले दो वीडियो में हमने देखा था कि इसका बेस क्या है और उसके ट्रिक्स क्या है। अब ये प्रश्न ऐसे हैं जो अधिकतर एग्जाम में आने लायक हैं, आ चुके हैं और आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बस आपका काम है इनको ध्यान से करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। समस्या आवे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। अब आपके सामने प्रश्न एक जो शो हो रहा है, इसमें लिखा हुआ है शुद्ध दूध में से 20% दूध निकालकर इतना ही पानी मिला दिया जाए। यह प्रक्रिया 3 बार करने के बाद बने मिश्रण में दूध की सांद्रता कितनी होगी। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला मेथड ये है कि हम ये मान लें कि जो दूध है वो 100 लीटर है। माना दूध 100 लीटर है। अब क्या करना है कि शुद्ध दूध में से 20% दूध निकाल कर इतना ही पानी मिलाना है। तो 100 का 20% निकाल लें आप, तो 100 का 20% 20 ही होता है, इस बात का आप ध्यान दें। 100 का 20% 20, 100 में से 20 निकाल लो, कितना बचेगा शेष? 100 माइनस 20 यानी कि 80। अब 80 का फिर 20%, ये पहली बार किया हमने, अब दूसरी बार, क्योंकि बोला ये प्रक्रिया 3 बार करनी है आपको। 80 का 20%, 80 × 20/100, ये 1 0, ये 1 0, 8 × 2 = 16। 80 का 20% 16 होता है, 16 फिर निकाल ले भाई, तो शेष 80 - 16 ये आगे बचेंगे 64। अब एक बार और ये प्रक्रिया करनी है, तो 64 का 20%, 64 × 20/100, 0 गुणा कर लो, 2 × 8, 2 × 12 ये आ गया आपका 128। नीचे अभी 10 बच रहे हैं, एक संख्या छोड़े पॉइंट लगा लो, यानी 12.8 और कम कर ले, ये तीसरी प्रक्रिया आपकी हो जाएगी। तो 64 माइनस, शेष बचेगा 64 - 12.8। अब निकाल लीजिए 12.8 64 में से, 64 में से पहले आप 12 निकाल लो, तो कितने बचेंगे आपके पास? 4 में से 2 गए 2, 6 में से 1 गया तो 5, 52। अब 52 में से 0.8 और निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 51.2। यानी 100 लीटर दूध जो था उसको हमने 20% निकालते गए, तो जो दूध है हमारे पास अब 51.2 लीटर बचा, अर्थात 51.2% ही उसकी सांद्रता होगी, ये आपका आंसर कहलाएगा। अब इसको हमने देखा है इस मेथड से, अब इसकी ट्रिक भी है। हम चाहें और जल्दी करना तो इस तरह कर सकते हैं। दूध कितना है? 100 लीटर में। अब पहली स्टेप आपने क्या करनी है, 20% प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, दूध में से 20% दूध निकालकर इतना ही पानी मिला दिया जाए, और ये प्रक्रिया आपको 3 बार करनी है। तो क्या करें, 100 का आप निकालें, पहली प्रक्रिया में आपने 20% निकाला तो जो दूध है वो 80% रह गया, फिर दूसरी प्रक्रिया में भी आपने ये चीज़ 20% निकाली तो फिर वो 80% रह गया, और तीसरी बार में फिर वो 80%, मतलब 3 बार 20% निकालना, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। अगर 4 बार आओ तो इसको 4 बार कर दो, आगे और बढ़ते जाओ, 2 बार बोले तो यहाँ तक करना है। अब इसको सोल्व कर लो, का की जगह इंटू 80% आएंगे तो नीचे 100, का की जगह इंटू 80% आएंगे तो 100, ये कर लें आप, फिर काट लें 100 100, कट गया आपके 1 2 3 0 हैं, 1 2 3 0। अब गुणा करो आप, देखो 8 × 8 × 8, 8 का क्यूब बन रहा है यानी 512, इन तीनों को गुणा करने पर कितना आएगा, 512। 10 नीचे बच रहा है यानी कि 10 है, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 51.2%, ये आपके सांद्रता कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 2,
ए का 18% बराबर बी का 24% तथा बी का 15% बराबर सी का 12% हो तो ए अनुपात सी ज्ञात करो, ये क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है। कैसे करें इसको? ए का 18% तो जहाँ का है वहाँ इंटू लगा दो 18%, ये लिख दो आप, ये परसेंट ही लगा दो। चलो बी का 24% तो लिख दो बी इंटू 24%। अब क्या करें आप, इस बी को तो आप ले आओ इसके अपॉन, 18 को ले आओ इसके अपॉन, तो ऐसी स्टेप बन जाएगी आपकी ए अनुपात बी, यानी कि ए के बटे हुए ये बी आ गया, ये बी यहाँ आ गया। अब यहाँ क्या रह गया 24, ये 18 जो इंटू में वो इसके अपॉन चल जाएंगे, ये परसेंट परसेंट, तो परसेंट से परसेंट कट गया, ये समझ लो आप ये कट गया साहब। अब इन दोनों को हमें 6 से काटना चाहिए, 6 4 24, 6 3 18, मतलब ए और बी का जो अनुपात है वो आपके आ चुका 4:3। इसी प्रकार यहाँ देखो बी का 15% सी का 12% के बराबर है, तो आप क्या करें बी इंटू 15% बराबर सी इंटू 12%, इस सी को इसके अपॉन में ले आओ तो बी अपॉन सी, तो इस 12 के बटे हुए ये 15 आ जाएगा नीचे, इस प्रकार मतलब ये सी यहाँ आएगा और 15 इसके नीचे आएंगे एक दूसरे के नीचे। अब काट लो 3 से 3 6 12, 3 5 15। अब ध्यान दें ए अनुपात बी, ए बटा बी मतलब ए अनुपात बी, ये है 4:3, इसको लिख दो आप इस प्रकार। अब बी अनुपात सी जो है वो है 4:5, तो बी अनुपात सी, बी और सी का अनुपात है 4:5, तो 4:5 इस प्रकार, यानी कि इन दोनों में अनुपात 4:3 है, इन दोनों में अनुपात 4:5 है। अब आप इसको ऐसे n बना लो, ये ऐसे गुणा हो जाएगा 4 4 16, फिर ये ऐसे इंट हो जाएगा 12, फिर ये ऐसे इंट हो जाएगा 15, 16 12 और 15। हमें प्रश्न पूछा ए अनुपात सी ज्ञात करो, तो ये ए का अनुपात है ये सी का अनुपात है, तो ए अनुपात सी 16:15, ये ए का मान है सी का मान है, ये आपका आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो कुल मत कितने 7500, उसमें से 20% मत अवैध घोषित हो गए, तो 7500 का आप पहले 20% निकाल लो, तो इसके लिए आओगे जहाँ भी का है वहाँ इंटू लगाया 20% आओगे नीचे 100, ये 2 0 कट गए, 75 × 2 कितने होते 150 और 10, यानी 7500 में से 1500 मत अवैध घोषित हो गए, तो वैध मत कितने हैं आपके आ जाएंगे, वैध मत 7500 - 1500, तो ये रह गए 6000। अब वैध मत में से अब फर्स्ट रैंक बढ़ो, दो उम्मीदवार, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए, तो मतलब उसने 6000 का 55% प्राप्त किया, तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए, तो पहले आप 6500 निकाल के इससे माइनस कर लो, और या फिर 6000 का 45% निकाल लो, क्योंकि इसने 55% मत प्राप्त किए तो दूसरे ने 45% ही प्राप्त किए, और अच्छा तरीका आपने ये भी आप इसको निकाल लो, चलो 6000 × 55/100, 60 और 55 गुणा करना अपन को, ये 0 लगा दो, 6 5 30 की 0 3, 6 5 30 और 3 33, मतलब 3300 वोट प्राप्त किए पहले उम्मीदवार ने, तो दूसरे ने द्वितीय उम्मीदवार ने प्राप्त किए कुल 6000 वैध मत है उसमें से 3300 माइनस कर लो आप, क्योंकि पहले वाले ने प्राप्त किए तो बचे जो दूसरे वाले ने, तो 6000 में से 3300 निकालो बचेंगे 2700,
तो सेकंड उम्मीदवार जो था, जो दूसरा उम्मीदवार था, उसने 2700 वेद मत प्राप्त किए। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 400 ग्राम नमक के घोल में 30% नमक है, इसमें कितना नमक और मिलाया जाए ताकि घोल में नमक की मात्रा 44% हो जाए। ये हमारा प्रश्न है। तो कुल घोल, घोल मतलब नमक और पानी का मिश्रण, अब 400 ग्राम है ये, उसमें से 30% नमक है। तो पहले आप 400 का 30% निकाल लो, 400 का 30% मतलब 400 × 30/100, ये दो कैंसिल, 4 × 3 = 12 और 1 = 0, यानी कि 400 ग्राम में से 120 ग्राम केवल नमक है, ये नमक की मात्रा आ गई। 400 ग्राम में से नमक 120 ग्राम आप माइनस कर दोगे तो जो है पानी है उसकी मात्रा आ जाएगी। 400 टोटल है, उसमें से 120 ग्राम नमक है, तो बचा कितना आपके 280। तो 280 ग्राम क्या हो गया आपके, पानी। अब प्रश्न को ध्यान से देखिए, अभी बोला इसमें कितना नमक और मिलाया जाए ताकि घोल में नमक की मात्रा इतने परसेंट हो जाए। तो आप देखो ये 120 और 280 का पहले ऐसे अपॉन में लिख दो, ये क्या है तो ये नमक है, ये 280 क्या है तो ये पानी, ये नमक और पानी। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, इसमें कितना नमक और मिलाया जाए। तो मान लेते कि नमक जो है x ग्राम और मिलाया जाए, हम x क्या मान रहे हैं, नमक, कि मान लेते कि x ग्राम नमक और मिलाया जाए, तो आप यहाँ x ऐड कर दो इसके अंदर, जिससे क्या कि नमक की मात्रा जो है वो 44% हो जानी चाहिए। तो ये ऊपर नमक की मात्रा है, ये 44% हो जानी चाहिए। अब आप बताओ जी, 100% होता है, उसमें से अगर 44% नमक है तो बचा कितना, 56%, तो 56% जो है वो पानी होगा। फिर अगर ये बोलता है 60% नमक हो जाए तो यहाँ 60 लिखोगे तो यहाँ 40 लिखना पड़ेगा, अगर ये बोलता 70% नमक हो जाए तो यहाँ 70% कर दो या 30% कर दो। कुल मिला के इन दोनों का जोड़ 100% होना चाहिए। अगर ये 44% चाहिए तो इसका मतलब है कि पानी 56% होना चाहिए। आप क्या करना है, परसेंट से परसेंट कट गया, ये से मान लीजिए ये कट गया। अब ये दोनों कट रहे हो तो और काट लो, छोटे हो जाएंगे। 2 से काटा 22 बार, 28 बार, फिर 2 से काट लो 11 बार, 14 बार। ये भी जान दें, नीचे नीचे कट सकता अगर बराबर का चिन्ह लग रहा हो, तो 1/2 इधर हो 1/2 इधर हो, बराबर का चिन्ह लग रहा है तो नीचे से आप काट सकते हो, काट लो 14 × 14, 14 × 28 = 0, बस अब वज गुणा कर लो, ये इससे गुणा हो जाएगा और ये 1 से गुणा, 1 से इसको गुणा करने पर ये संख्या आएगी। और 20 × 11 कर लो तो 11 × 22 = 0। अब इसका इधर पक्षांतरण कर लो तो इधर आ गया एक्स 220, पहले इसको उतारो फिर ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, पक्षांतरण में चिन्ह बदलता है, चिन्ह बदल दिया मैंने माइनस, इसमें से कटाए क्या बचेगा 100, अर्थात 100 ग्राम नमक और मिलना पड़ेगा, तब जाके नमक की मात्रा 44% होगी। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में, 70% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए तथा 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 हो तो कुल कितने छात्र बैठे थे। तो मान लेते कुल 100 छात्र, माना कुल 100 छात्र बैठे थे। अब ध्यान दें आप, 60% छात्र विज्ञान में, विज्ञान में 60% और गणित में 70% छात्र उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण मतलब पास, ये पास है यही पास है। अब आगे बढ़ो तथा 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, खास लाइन आपकी यही देखो, दोनों विषयों में आपको अनुत्तीर्ण दे रखे हैं।
अगर यहाँ प्रश्न में दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण दे रखे हैं तो आप यहाँ पर भी अनुत्तीर्ण छात्र कितने निकालो, कि विज्ञान में जब 60% छात्र पास हो रहे हैं तो मतलब फेल कितने हो रहे हैं, 40%, ये फेल। गणित में 70% लड़के पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं, 30%। तो ये पास दे रखे हैं तो हमें पहले फेल का निकालना पड़ेगा। फेल का इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें इस प्रश्न में ये दिया हुआ है कि 15% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गए, दोनों में अनुत्तीर्ण 15%। अगर हमें दोनों में अनुत्तीर्ण दे रखे तो हमें यहाँ भी अनुत्तीर्ण की जरूरत पड़ेगी, और दोनों में अगर प्रश्न में उत्तीर्ण दे रखा होता तब इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या करें, आप एक वेन डायग्राम बनाओ ऐसा, दो विषय हैं तो दो वृत्त बनावे जो एक दूसरे को काट रहे हो। ये आपका विज्ञान विषय है, विज्ञान को अपन साइंस बोलते हैं, इसमें एस लिख रहा हूँ। गणित को मैथ्स बोलते हैं तो मैं एम लिखता हूँ, यानी कि ये गणित और ये आपका विज्ञान का है। दोनों में अनुत्तीर्ण 15%, तो आप देखो इन दोनों वृत्त की कॉमन जगह कौन सी, ये तो जो 15% है वो आप यहाँ लिख दे हुए इस जगह। अब आप ये देखिए कि विज्ञान में फेल कितने हुए, 40%। ये विज्ञान का व्रत है, विज्ञान में 40% होने चाहिए, 15 आप लिख चुके हैं तो कितने बचे अब आप, तो 40 में से 15 निकाल लो, 25। 25 और 15 जोड़ने पर 40, अर्थात विज्ञान में 40 जने फेल होने चाहिए, तो ये 25 और 15 40 जने फेल हो गए। अब आप आ जाओ गणित में, गणित में 30% फेल होने चाहिए, 15 तो अब यहाँ लिख चुके अपन, तो मतलब 30-15 यानी कि 15। अब आप देखो इसको, गणित में कितने फेल हुए, तो 15 और 15 30, विज्ञान में कितने हुए, तो 25 15 40, दोनों में कितने हुए, तो 15 होना चाहिए, दोनों का कॉमन जगह 15 है, तो ये सब आपके फेल स्टूडेंट है, 25 15 और 15, तो 25 और 15 40, 40 और 15 55, अर्थात 55% फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, और क्या दिया हुआ, देखो 55% फेल हो गए, और यहाँ लिखा हुआ देखो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 है, मतलब ये जो 55% है, 55% वो इस 220 के बराबर है, 55% = 220। अब ये इसका फॉर्म में लिया हो, 220/55। अब क्या निकालना अपन को, कुल छात्रों की संख्या, कुल कितने बने, 100, तो इसको 100 से गुणा कर दो, इससे आप डायरेक्ट कुल छात्र आ जाएंगे, 11 × 55 = 11 × 22, 5 से 20 काट लिया, 4 × 100 = 400, तो कुल विद्यार्थी 400, ये आपका आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, राम ने अपनी आय का 20% बड़े पुत्र को, शेष का 30% छोटे पुत्र को, शेष का 10% पत्नी को दिया। अब उसके पास 10,080 रुपये बचे हों तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड देखो, माना कि जो आय है वो 100 रुपये है, ये हमने मान लिया कि 100 रुपये उसकी इनकम है। अब बोला 100 रुपये का 20% बड़े पुत्र को दिया, तो 100 का 20%, हमेशा याद रखो 100 का 20% 20 ही आएगा, 100 का 30% 30 ही आएगा, तो ये आप उसने दे दिया बड़े पुत्र को, यहाँ लिख देता हूँ आपके बड़े पुत्र को कितना दिया उसने, 20 रुपये, 100 में से 20 रुपये बड़े पुत्र को दिया। फिर बोल रहा शेष का, शेष बोलते ही माइनस करो, शेष 100 - 20 यानी कि 80। अब शेष का 30% छोटे पुत्र को दिया, यानी कि 80 का 30% किसको दिया, छोटे पुत्र को, तो 80 का 23/100, ये 2 0 कट गए, 8 3 24, यानी कि 80 रुपये में से 24 रुपये उसने छोटे पुत्र को दे दिए। तब बैलेंस शेष कितना रहा, 80 - 24, 10 से 4 गए 6, 7 + 2 गए तो 5, 56 बचा उसके पास। अब फिर बोला शेष का 10%
पत्नी को दिया 56 का 10%, 56 × 10/100 कट, 56 × 56 10 का मतलब एक सिंगल छोड़े पॉइंट लगा लो, 10 नीचे मतलब एक छोड़कर पॉइंट लगाओ। तो अब कितने बैलेंस बचे, अब शेष बचा आपके 56 − 5.6 यानी कि 50.4। अब 50.4 शेष बचा और जबकि अब उसके पास इतने बचे मतलब 50.4 ये परसेंटेज में है ये इसके बराबर है, 50.4 जो परसेंटेज है वो 180 के बराबर है। भाई अपन 100 इनकम मानते तो इतने बचते हैं और रियल में उस बार इतने बच रहे हैं तो ये इसके इक्वल हो गया। तो क्या करना है, इसको इसके अपॉन में ले आओ, 180 / 50.4 और इनकम निकालनी है इसलिए आप 100 से इंटू कर लो, यहाँ यह आ जाएगी, इसे पॉइंट हटाया एक संख्या तो ऊपर एक जीरो बढ़ा देगा आप, ये चाहे इंटू लगे 10 लिख दो एक की बात है। अब आपको पता हो जाए 504 का भाग इसमें ना, तो 504 का डबल होता है 1008, 504 का डबल 1008 और ये वाला जीरो, 20 को गुणा करना 10 से फिर 100 से अर्थात 20,000 ये आपका आंसर कहलाएगा। एक मेथड और है इसका जिसको अपन ट्रिक जानते हैं, ये इसके ट्रिक क्या करना है, मान लो कि इनकम जो है टोटल आय क्या निकाली, आय को आप एक्स मान ले रहे हैं। अब सबसे पहले उसने क्या किया, 20% बड़े पुत्र को दे दिया तो बचा कितना उसे पास, 80%, 20% दे दिया शेष ना बचा 80%, फिर शेष का 30% छोटे पुत्र को दे दिया तो 30% देने के बाद उसके पास कितना बचेगा, 70%, फिर जो शेष था उसको 10% पत्नी को दे दिया, 10% देने के बाद उसके पास जो बचेगा वो 90% होगा। अब उसके पास इतने बचे तो 12 में लिख दो, ये 180 अर्थात 10,080, तो कुल मिला के जितने आप यहाँ देते जा रहे हो वो आप यहाँ कम करते जाओ 100 में से। अब इस स्टेप को सॉल्व कर लो, एक्स इंटू 80 × 70 × 90 ये सब काका लग रहा है वहाँ इंटू लगा दिया मैंने। अब ये परसेंट आएंगे तो नीचे क्या आएगा, यहाँ ये 100, ये 100 और ये 100 बराबर 180। अब यहाँ जो कटरा काट लो आप चाहो तो बोलिए 100 कट गया, ये 0 से 1 0 कट गया, ये 0 से 1 0 कट गया। अब नीचे कितने बचे, देखो 10 × 10 × 10 यानी ये हो गए 1000, 1000 आप इसे वजुना कर लो या एक काम करो इन तीनों संख्या को इधर भेज दो, तो स्टेप ऐसे बन जाएगी, पहले आप इसको उतार लो, ये उतार लिया, अब ये 8 × 10 इधर जाएगा, 8 × 10 बराबर की साइड जाएगा तो पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा 10/8, ये हो जाएगा 10/7, ये हो जाएगा 10/9। अब काट लीजिए, तो सबसे पहले मैं काटना शुरू कर रहा हूँ इस 9 से, काटो 9 से, 9 × 9 बचा 1 10, 9 × 9 बचा 1 18, 9 × 2 = 18 और 1 0। अब आप चाहें तो 7 से या 8 से जिसे काटना हो काट लीजिए, तो 8 से काट देते चलो, 8 × 8 बचे 3 = 32, 8 × 32 और 1 0, फिर 7 से काट लो 20 बार, 20 के आगे 1 2 3 0 अर्थात ये आपका आंसर हो गया 20,000, ये आपका आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 7, 500 का x परसेंट बराबर 300 का वाई परसेंट, तो पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ये 500 का की जगह इंटू एक्स, परसेंट आओगे नीचे 100 आएगा, 300 का वाई परसेंट तो 300 इंटू वाई परसेंट आए नीचे 100 बराबर में, इस बात का आप ध्यान दो या फिर यही काट लो पहले आप 2 0 2 0 2 0 2 0 क्या स्टेप बन गई, 5x = 3y। अब क्या करें आप, इस x के बटे हुए इस y को ले आओ तो ये 5 इसके बटे आ जाएगा, कैसे, 3/5 यानी वज गुणा करने पर ये स्टेप आ जानी चाहिए। तो आप देखो 5 × x 5x, 3 × y 3y
करना क्या, इस अक्ष के बटे वाई लाना है, फिर तीन ही छूट जाएगा, पांच क्वेश्चन इसे लाओ। इससे बताया भाई एक्स और वाई का जो अनुपात है वो 3:5 है, एक्स वाई के मान नहीं है, ये अनुपात है 3:5। अब सवाल को हम आगे पढ़ते हैं। तथा 200 का वाई परसेंट का एक्स परसेंट बराबर 60 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। केवल हमें एक्स का मान निकालना है। अब हमारे पास न तो वाई का मान है न एक्स का मान है, पर हमारे पास एक्स और वाई का अनुपात है, तो यह हमें मानना पड़ेगा। माना एक्स बराबर 3:5 है तो इसको आप 3k मान लो, वाई का अनुपात 5 है तो वाई बराबर 5k आप मान लेवे। तो माना एक्स 3k है और वाई 5k है। अब जहाँ एक्स है वहाँ 3k लिख दो और जहाँ वाई है वहाँ 5k लिख दो। तो इस प्रकार लिखेंगे अपन 200 का वाई, वाई का मान देखिए 5k, तो यहाँ लिख दो 5k परसेंट का एक्स, एक्स की जगह आपको लिखना पड़ेगा 3k और ये परसेंट बराबर 60। परसेंट आओगे नीचे 100 आएगा, इस बात पर ध्यान दें। 200 का की जगह इंटू 5k परसेंट आएगा नीचे 100, का की जगह इंटू 3k परसेंट आएगा नीचे 100 बराबर 60। सोल्व करो, ये 20 20 कट, फिर आप 2 से इसको काट लो ये 50 बार, फिर 5 से इसको काट लो 10 बार। अब यहाँ केवल लिखा k और 3k, 3k को k से गुणा कर लो 3k स्क्वायर। ये जो 10 है इस 60 से वह गुणा कर लो, तो 10 × 60 600। अभी इंटू में तो अपॉन में ले जाओ 3 को, k² बराबर 600/3। फिर 3 से काट लो, 3 × 6 20, k² बराबर आ गया आपके 200। स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा, ये आपके रूट आ गया। अब 200 रूट कैसे निकालें, तो आप इसके टुकड़े इस प्रकार कर लो 100 × 2। 100 का रूट आपको पता है 10 होता है, 2 का रूट निकलते ही नहीं पूरा, इसलिए इसको रूट में रहने दो। तो ये आपकी के की वैल्यू आ गई है। अगर हमें के की निकाली तो आंसर ही, पर हमें निकालना है एक्स का मान। अब एक्स हमने क्या माना था 3k, तो क्या करना है एक्स बराबर 3k, 3 लिख दिया और के का मान 10√2 यहाँ लिख दो, ये के का मान 10√2 गुणा कर लो, ये फाइनल आंसर 30√2, 3 × 30 और ये √2।